इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 डेज चैलेंज। और इस चैलेंज में क्या है कि अगर आपकी आंखें बहुत ज्यादा धसी हुई हैं, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डार्क सर्कल्स आपके बहुत ज्यादा गहरे हैं, तीसरा प्रॉब्लम आपके कितने भी ज्यादा फाइन लाइंस या रिंकल्स की प्रॉब्लम आपके आंखों के आसपास आ चुकी है, डेफिनेटली विद इन अ वीक आपको आपकी आंखों में मेरी बताई हुई उस होममेड रेमेडी को यूज करने के बाद ह्यूज डिफरेंस यानी 99% डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 1% कब दिखेगा वो भी मैं जरूर बताऊंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इफेक्टिव आपसे चीजें शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो कंप्लीट फॉलो करिएगा, वीडियो शुरू करते हैं। गाइज मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि 99% ये रेमेडी वर्क करेगी, यानी 1% जो रह रहा है वो क्या वर्क करेगा वो जान लेते हैं। 3 रीजन से सबसे ज्यादा हमारी आंखों के नीचे काले घेरे, फाइन लाइंस, रिंकल्स और आंखें हमारी धस जाती हैं कि हम लोग आजकल की लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं। देखिए जितना भी अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो स्ट्रेस क्या करता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डल करने लगता है, ठीक है, आपकी आंखें धंसने लगती हैं, काले घेरे पड़ने लगते हैं और वहां पे रिंकल फाइन लाइन समय से पहले आ जाता है। तो आपने स्ट्रेस जब भी आपको होता है, मैं ये नहीं कहती कि मत लीजिए, स्ट्रेस जब भी होता है अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, चाहे आप कोई और काम करें, कोई अपने माइंड को क्रिएटिव बनाए, बाहर घूम लें, किसी से बातचीत करें, लेकिन उस टाइम से आप बाहर निकले, ठीक है। हमारी डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, अगर आप पानी बहुत कम पीते हैं तो आपकी स्किन रूखी सूखी हो जाती है, उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है और वहां पे रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम आने लगती है, प्लस में डार्क सर्कल्स दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। वो है एनेमिक यानी खून की कमी। हम अपनी डाइट में ऐसी चीजें नहीं लेते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में खून की कमी होने लगती है, तो ऐसे में अपनी डाइट में आप ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, जैसे पालक, मेथी हो गई, साग हो गया, तो इन सब चीजों को जितना आप इस्तेमाल करेंगे वो आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी को पूरा करेगा। और इसके साथ साथ आप भीगी हुई किशमिश खा सकते हैं, 10 से 12 दाने आप रात को भिगोएं और सुबह उसका सेवन करें, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा लॉन्ग टाइम तक। देखिए जो मेरी रेमेडी है ना वो आपको रिजल्ट दे देगी 1 महीने में, 1 हफ्ते में, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना यानी उसको मैनेज करना वो आपके हाथ में है। तो मैनेज करने के लिए जो चीजें आपको मैंने अभी बताई हैं, इन सबको आपको अपनी डेली रूटीन में शामिल करना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा से आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी इफेक्टिव सी रेमेडी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक खाली बाउल ले लेना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन। नेक्स्ट इसमें हम ऐड कर रहे हैं चुटकी भर हल्दी। हल्दी तो आपको पता ही है आपकी स्किन को लाइटन करके ब्राइटन लुक देती है, क्योंकि जब हम देखते हैं हमारे आसपास पास या हमारी खुद की जब मैरिज होती है तो हमारी दादी नानी हमें बहुत रगड़ रगड़ के हल्दी बेसन लगाने को बोलती हैं शादी से पहले, ताकि आपकी त्वचा पर निखार आए, उपटन लगाया जाता है। तो हल्दी बहुत अच्छी होती है आपके अंडर आई एरिया को लाइटन करने के लिए, इनफैक्ट आपके फाइन लाइन रिंकल्स को भी दूर करेगी। और थर्ड इंग्रेडिएंट बहुत ही सुपर्ब है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, वो है स्वीट आलमंड ऑयल। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, बट मेक श्योर करें कि आपने हेयर ऑयल यूज नहीं करना, बादाम वाला, स्वीट आलमंड ऑयल यूज करना है और आपको इसमें 2-3 ड्रॉप्स ऐड कर लेने हैं। अब इसको स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए हम इसमें यूज करेंगे रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। मेक श्योर करें कि जो आप पेस्ट बना रहे हैं वो बिल्कुल भी पतला नहीं हो, क्योंकि हमें अपने पूरे आई को कवर करना है, नहीं तो वो एकदम से गिरेगा और आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। देखते जाइए कितना गाढ़ा पेस्ट बनाना है। आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हम बॉइल्ड मिल्क यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आपको कच्चा दूध का ही इस्तेमाल करना है। ऐड करने के बाद पहले आप मिक्स करें 1 स्पून के बाद कि क्या कंसिस्टेंसी रहती है, कितना थिक है, कितनी रिक्वायरमेंट आपको है। तो मैं बहुत ही स्लाइटली सा इसमें ऐड करूंगी, बहुत थोड़ा सा मिल्क। आप देख सकते हैं मेरे इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है आपने आई पे लगाने के लिए। तो इतना ही थिक पेस्ट आपने बनाना है, आप फिंगर की हेल्प से या फिर ब्रश की हेल्प से, जैसे मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ सेम आपने एज इट इज इसको अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं मैंने अपने पूरे आई में इसको इस तरीके से अप्लाई कर लिया है, अंडर आई एरिया में और अपनी आईलेट पे भी। आईलेट पे अप्लाई करना मस्ट है, नहीं तो हमारी जो आईलेट होती है ये कई बार इतनी डार्क होती है, इसकी वजह से हमारा पूरा फेस डल लगता है। और ये पेस्ट ना सिर्फ आपके डार्क सर्कल्स को दूर करेगा बल्कि फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी रिड्यूस करेगा, वो आपको खुद ब खुद डिफरेंस दिखेगा, राइट। तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, आपने 15 मिनट्स के लिए इसको एज इट इज रहने देना है, देन उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर लेना है।
ठीक है। उसके बाद आप स्लाइटली सा एलोवेरा ले सकते हैं या कोई भी आप मॉइस्चराइजर ले सकते हैं फेस का, देन उसको अप्लाई कर सकते हैं ताकि वहां पे ड्राइनेस आपको फील ना हो। चलिए बढ़ते हैं अपनी सेकंड रेमेडी की तरफ। नेक्स्ट रेमेडी के लिए हमने यहाँ पे पटाटो लेना है। पटाटो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और आपको ये 12 महीने मिलेगा, तो इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि समर में अवेलेबल है विंटर्स में नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी आपसे चीजें मैं शेयर कर रही हूँ आपको 12 मंथ्स अवेलेबल होगा, ठीक है। इसको मैंने धो लिया है और इसको अब हम पील कर लेंगे। अब इस आलू को मैंने पील कर लिया है, अब हम इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से कद्दूकस हो चुका है। अब क्या करेंगे, कद्दूकस करने के बाद हम इसका जूस एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे। आलू क्या करता है, नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है ये, जितनी भी आपकी स्किन पर डलनेस है, डार्कनेस है, रिंकल्स है, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करता है और आपकी स्किन को नेचुरली ब्राइट करता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि इसको बनाकर रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आपको डेली इसको फ्रेश बनाना है, बल्कि डेली नहीं, हमें इसको ऑल्टरनेटिव डेज में यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूस निकल चुका है, लेकिन ये बहुत लिक्विड है, तो हमें इसको थोड़ा सा ऐसा बनाना है ताकि इसकी बॉडी फॉर्म में आ जाए जिसको हम अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे 1 सैशे कॉफी पाउडर। अगर आपके पास सैशे नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल लूज कॉफी भी 1 स्पून इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे दोनों चीजों को। कॉफी क्या करती है, आपके जितनी भी डार्कनेस है, डलनेस है, चाहे फेस की हो या टैन है, अंडर आई एरिया इनफैक्ट क्यों ना हो, उसको बहुत अच्छे से रिमूव करती है। बहुत सुपर डुपर इफेक्टिव रेमेडीज हैं जो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। थर्ड इंग्रेडिएंट हमारा रहेगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल क्या करता है, आपकी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, डार्क सर्कल्स, फाइन लाइन, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रिंकल्स की, उन सबको रिड्यूस करता है। तो हम इसमें 1 स्पून ऐड कर लेंगे। अगर आपका ये पेस्ट बच जाता है तो आप इसको नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपने हमेशा इसको फ्रेश ही बनाना है। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, देन अब हम इसको अप्लाई करेंगे। इस तरीके से आप ब्रश की हेल्प से या फिर आप फिंगर टिप्स की हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया है। सेम इसको आपको 15 मिनट्स के लिए छोड़ना है, देन उसके बाद ठंडे पानी से या नॉर्मल वाटर से, वेदर के अकॉर्डिंग आप अपना पानी का टेम्परेचर रख सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा आपको प्रेफर करती हूँ कि फेस पे आपने हो सके तो विंटर्स कितने भी ज़्यादा हों ठंडा पानी यूज़ करें, क्योंकि ठंडा पानी क्या करता है, आपके फेस पे ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, आपकी मसल्स को टाइट रखता है। गर्म पानी वहीं आपकी स्किन धीरे धीरे लूज़ करने लगता है, और जब स्किन लूज़ होती है तो रिंकल फाइन लाइन्स आपके दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपना कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करके सो जाना है। तो आई होप कि आपको मेरा ये बेहतरीन वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज मेरी मेहनत के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। मिलती हूँ आपसे कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।